गाइस, इट्स अनंत, इट्स क्रिथलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, आज हम एक बहुत फनी इंटरव्यू पे रिएक्ट करने वाले हैं, जिसमें हसनैन और नसीम शाह एक दूसरे के इंस्टाग्राम डीएम्स पढ़ेंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी आई थिंक फनी होगा कि कैसे कैसे डीएम्स लोग देखते हैं। यूजुअली डीएम्स काफी पर्सनल होते हैं, तो ये देखने में आई एम श्योर कैसे फनी होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से फॉलो कर लो। वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आप चेक कर लेना, ओरिजिनल चैनल भी आप चेक कर लेना, हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जन्नत ये बस इजाजत है, लेट्स गो। मैं हूँ नसीम शाह और अभी मैं देखूंगा हसनैन का जो इंस्टाग्राम की मैसेज है, देखते हैं कि फ्रेंड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं और हसनैन उनको क्या रिप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हसनैन अपना, प्लीज जरा मोबाइल दिखाइए। पहले मैं नसीम का चेक करता हूँ। पहले स्टार्ट मैंने किया, स्टार्ट एक मिनट में देता हूँ मैं आपको। खोल के दो, खोल के दो। स्वीट स्वीट, ये मेरा इंस्टाग्राम। हाँ जी, इंस्टाग्राम। मेरे तरफ नहीं देखना, जो है कैमरे पे दिखाओ, आपका भी दिखाओ। अगर आपस में बात करनी है, डील करनी है तो सच बताओ। इतनी ज्यादा लड़कियों के मैसेजेस है ना, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने रिप्लाई किया। देखो आपने रिप्लाई किया है, इसलिए उनकी यहाँ पर है ना मैसेज शो हो रहे हैं, पता है आपने उनको एक्सेप्ट किया। और यकीन करें, एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है इसमें मैसेज। सारे नंबर आने वाला है आपका, नंबर सारी लड़कियां। लेकिन देखो, जितना आप खतरनाक मैसेज देखोगे ना, उतना आपको खतरा है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग मेरी है, आप बाकी देख ले। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन बहुत ज्यादा लड़कियां, इतना बता रहा हूँ, पढ़ सकता हूँ मैसेज। इतना नीचे जा रहे हो, मैं वो श्रीलंका हैट्रिक के जो आपने किया उसके बाद जो मैसेजेस आए, मैं वहां तक चला जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। पढ़ सकता हूँ, पढ़ ले जो आपने पढ़ ले, पढ़ ले। देखो आप अपने हिसाब से ऐसे पढ़ लो कि जो फिर आपको खतरा ना हो। इस टाइम पे आपको पता है हसनैन बहुत प्रेशर में है। अब हसनैन को ये डर है कि अगर इसका मैं कोई भी मैसेज खोलूंगा, इसको तो कुछ नहीं कहा होगा, पर मेरे लिए खतरा है। अब ये जो है ना मैसेज लिख रहा है मेरे तरफ से, ठीक है, और ये इसने पढ़ना है, फिर ये चीटिंग है, कैमरा दिखाए यहाँ पे। अब ठीक है, अब आपका जो है अपना प्लीज मोबाइल दिखाइएगा, इतने देर में डिलीट कर देगा, जरा कैमरा ऊपर रखिएगा। ये फनी है, देखते हैं। नाम आप नहीं लेने किसी के, है देख लो, देख लो। मेरे बारे में तो इसने बोला कि सारे लड़कियां हैं, मेरे ख्याल से सारे लड़के हैं, लेकिन इन्होंने लड़कियों के तस्वीरें लगाई है, ऐसे ही है ना। सारों ने, मैं वहां दिखा दूंगा, मैं मोबाइल वहां कभी दिखा सकता हूं। सारों ने अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लड़कियों के लगाए, लेकिन ये लड़के, आप सही कह रहे हो, बड़े अच्छे इंसान है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप इनकी गलती है क्यों लगाए। अच्छा, अब मैं दो मैसेज पढ़ने लगा हूं जिसमें बहुत जानी जानी के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इसको एक मैसेज आया है, पढ़ना नहीं आ रहा क्या लिखा है। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं पहले पढ़ लूंगा, ज्यादा खतरनाक है तो नहीं बोलूंगा, अगर ज्यादा खतरनाक नहीं है तो फिर। इसको फ्रेंड्स की तरफ से कोई मैसेज आया कि ओ अच्छा, मैं समझा फिर नसीम ने नहीं दिया हो आपको, चलो बेस्ट ऑफ लक, अभी आप लोगों का बिजी डेज आ रहे हैं। फ्रेंड ने मैसेज किया, लक तो सिर्फ प्रोफाइल पे जो पिक्चर लगाई वो लड़की, लेकिन ये लड़का। इसको मैसेज किया कि जानी व्हाट्सएप पे नजर नहीं आ रहे हो, जानी व्हाट्सएप पे नजर नहीं आ रहे हो, एक मिनट सबर करें, ठीक है, अब यहाँ पे शो कर लूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी, बस छोड़ दे, मैंने आपका वो रख दिया, बस ये दो मैसेज थे। खैर, इसमें इतनी बुरी बात नहीं है, जानी आपको बोला है कि व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, जानी आपका निकनेम है, इसलिए आपको जानी कह रहे हैं, चलो अच्छी बात है। यार देखो, हमने कोशिश की है एक दूसरे के इंस्टाग्राम में से कुछ अच्छा कुछ निकालने के, लेकिन वो बारिश बहुत तंग कर रहे हैं, इस वजह से कॉल ऑफ हो गई। मैंने निकाले नसीम के बहुत सारे निकाले, लेकिन मुझे नहीं मिले, मैंने मैसेज नहीं खोले। मेरे ख्याल से बारिश बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो इस वजह से आप मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। नहीं, बारिश की वजह से ना नेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैसेज नहीं खुल रहे।
तुमने मैसेज एक नहीं दिखाया यार। बट यार चल फिर भी नसीम शाह, नसीम शाह इज सो फनी मैन। बट एनीवे ये इंटरव्यू कितना फनी था एंड कैसे मतलब हम लोग वी वर लाफिंग थ्रू आउट विद एक्साइटमेंट एंड कैसे इन दोनों की कैमराडरी आपस में। नसीम शाह उसको लिटरली धमकी दी वो अच्छा नहीं होगा मैं इसे दिखा दूंगा। पहले उसने खेला, नसीम शाह सच अ प्लेयर, पहले उसने खेला कि जितना खतरनाक तू पड़ेगा ना उतना पढ़ूंगा। उसने पढ़ा नहीं, उसने पढ़ गया यानी WhatsApp पे दिखाई ना दे रही क्या बात। But he also took it like a sport, तो वो काफी इंटरेस्टिंग और फनी था एंड वी वर लाफिंग थ्रू आउट विच इज अ गुड थिंग। दिस वाज सच अ फन लविंग इंटरव्यू। So guys, this was our reaction. We really hope that you liked it. And if you did this video, go like it. Leave down your lovely comments and don't forget to subscribe, guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.